Next topic. लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कुछ अमाउंट में करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, हो गया तो फिर वो आगे बचेगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। फिर कल कैसा हुआ तुम्हारा प्रैक्टिस एग्जाम? सर एनिमल किंगडम का वेटेज बहुत ज्यादा है क्या? एनिमल किंगडम का नहीं, एनिमल किंगडम से एवरेज मान सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और रिप्रोडक्शन से? रिप्रोडक्शन से भी नहीं आते, 4-5 क्वेश्चन दोनों मिलाकर 3 ही क्वेश्चन आता है दोनों से। किससे? रिप्रोडक्शन चैप्टर से और एनिमल किंगडम से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऐड कर दोगे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। हाँ वो उसको अलग करा था मैंने इसलिए हाँ, बोला। ठीक है तो ठीक है वेटेज है, वेटेज ज्यादा ही है मान के चलो। उसमें अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन जो है ना, अच्छी बात क्वेश्चन तो सारे इजी आते हैं, सभी टॉपिक में इजी आते हैं है ना। तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तो लॉजिकल है बिल्कुल, तो इसीलिए ना उसमें तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। और एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में यदि तुमने पढ़ा हुआ है ठीक से तो फिर आसान लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन था इसलिए उसमें ना तुमको सर क्वेश्चन में डाउट है ना, रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ सर एक क्वेश्चन था, मेरे को एक्चुअली भी याद नहीं आ रहा है। पाथवे पूछ रहा था टेस्टिस एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के जगह कुछ और दिया था। अच्छा। और ऐसे 4 था और चारों सिमिलर लग रहा था, उसमें समझ नहीं आ रहा था कौन सा आंसर होगा। अच्छा। शुक्राणु होगा उसमें आंसर सर। अब ये तो ऐसे नहीं पता पड़ पाएगा कि थोड़ा कंफ्यूज हो गई सर, जो इस पार में है ना वो मतलब कौन से से बाहर निकलता है करके था, तो उसमें एपिडाइडमिस था और था और वास डिफरेंस की जगह कुछ और लिखा था ना, एक क्या नाम था? वास डिफरेंसिया? नहीं नहीं डिफरेंस की जगह कुछ और था। तो उससे कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा आंसर होगा। हाँ डेक्टस थोड़ा गलत। हाँ ऐसे कुछ था। हाँ 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 पाथवे डक्टस डिफरेंस। अच्छा वासा डिफरेंस को डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं इसलिए। हाँ, वासा डिफरेंस को डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं इसलिए शायद तुमको दिक्कत है। यस सर। सर तो उसका आंसर क्या होगा फिर? जो पाथवे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उससे एपिडिडाइमिस रेटिनस ट्यूब्यूल है क्या ऑप्शन में? सर उसमें ये दिया था कि कहां no, से ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर एपिडिडाइमिस उसके बाद में डक्टस डिफरेंस फिर उसके बाद में यूरेथ्रा या यूरोजेनाइटिस। सर उसमें 4 ऑप्शन था, दो शेप से लग रहा था और उसमें था कि एक ऐसा बताओ जिसमें से जाता नहीं पाथवे। को बता पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं पड़ेगा ना कि क्या-क्या ऑप्शन थे, तो सर स्क्रीनशॉट नहीं होता है ना। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं होता है क्या? बहुत ज्यादा खुलेगा वैसे, मैंने तो बढ़ाया तो बढ़ा तो है लेकिन फिर भी। सर आंसर में सेमिनल वेसिकल दिया था। सेमिनल वेसिकल? यस सर। ऑप्शन में? यस सर उसमें था और उसमें नहीं जाता ऐसा करके। यही क्वेश्चन है। सेमिनल वेसिकल वाला ऑप्शन जो है वो उसके बाद में आएगा डक्टस डिफरेंस के बाद में। तुम्हें तो पता ही है हर जगह पे कहां पर क्या है उसके अकॉर्डिंग। बहुत कंफ्यूजिंग था वो। सेमिनल वेसिकल में भी जाता है सर स्पर्म तो।
यस सर, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। सेमिनल वेसिकल के भले ही अंदर भी जाता हो लेकिन वो फ्लूइड आकर के उसमें मिक्स हो जाता है। ब्रेक पूछ रही हो, इसलिए बहुत टाइम चले गया। उसको कहां पर रख दोगे सेमिनल वेसिकल को? उसको रखना तुम डक्टस डेफरेंस और यूरेथ्रा के बीच में। सर तो अगर एक ऑप्शन पूछा है कि कहां से पाथवे मतलब जाता नहीं है तो उसमें क्या आंसर आएगा फिर? जाता नहीं है तो आएगा कैसे होगा वहां से? नहीं जाता ना, क्योंकि वो उससे सिर्फ ना इस तरह मतलब ना सिक्रेट होता है सब चीज जो रहता है सिक्रेशंस, उसमें से कुछ नहीं जाता वो, उसमें उसका सिक्रेशन आता है बस। पाथवे में जरूर आ जाएगा वो, लेकिन उसका सिर्फ सिक्रेशन आएगा। तो सेमिनल वेसिकल आंसर होगा सर? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा उसमें। यदि ऑप्शन नहीं और कोई नहीं मिल रहा है तो फिर उसको तुम रास्ते में रखना, नहीं ऑप्शन है तो फिर मत रखना रास्ते में। सर ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है लास्ट ईयर में, तो सेमेनिकल वेसिकल को नहीं लेता वो ना क्या बोलते हैं जो उसके जो जंक्शन पॉइंट है ना वहां पर चले जंक्शन पॉइंट को लेके बनाता आगे पाथवे को वो। मैंने भी तो तुमको पढ़ाया हुआ है, तो परेशान हो गए हो जब सेमिनल वेसिकल में नहीं जाते, तुम्हें पता है मुझे पता है, लेकिन यदि ऑप्शन ही वैसे दिए हुए हैं तब क्या करोगे? मजबूरी हो गई ना, तो जिस जगह वो पाथवे में जहां पर कनेक्ट हो रहा है उस जगह पे उसको डाल दो बीच में, है ना? मजबूरी हो गई ना, क्योंकि ऑप्शन बनाने वाले ने यदि ऐसा ऑप्शन बना दिया तो हमें कुछ तो आंसर करना पड़ेगा। और नीट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी या क्वेश्चन बनाने वाले के अकॉर्डिंग आंसर चला जाता है जिसने क्वेश्चन। सर ब्राइटनेस थोड़ा कम लग रहा है क्या? अंधेरा अंधेरा लग रहा है। अंधेरा लग रहा है क्या बच्चे? जो लिखा हुआ है वो ज्यादा क्लियर दिखेगा। सर डॉक्टर्स को भी देख के लगा कि वासाई फ्रेंशिया ही है ऐसा करके, लेकिन वही फिर कंफ्यूजन हो गया कि सेमिनल वेसिकल होगा कि नहीं। हां हां ओके ओके, कोई बात नहीं, यदि ऑप्शन नहीं मिलेगा ना तो उस केस में उसको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी के कोई ऐसा ऑप्शन है जो ऑलरेडी से आ रहा है हटाने के बाद भी तो उसको हटा के आंसर करना। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, जो एंटीबायोटिक है वो हमारे मतलब बॉडी को हार्म क्यों नहीं पहुंचाता सर? एंटीबायोटिक हमारी बॉडी को हार्म क्यों नहीं पहुंचाता है? हाँ, किसने कहा हार्म नहीं पहुंचाता है? नहीं वो तो जो भी अंदर में सूक्ष्म जीव है उसको तो मार देता है या फिर उसका ग्रोथ रोक देता है ना। वो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको मार रहा है। अब यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे लिए यूजफुल है, होते हैं ना हमारे गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिकली प्रेजेंट है या एज एज कॉमेंसाल प्रेजेंट है, मान लो किसी तरीके से भी कुछ हेल्प कर रहे हैं यदि, तो वैसे बैक्टीरिया यदि मर गए तो फिर क्या होगा? तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, होता है ना कई बार, कई बार लोग जो है वो एंटीबायोटिक ज्यादा खाते हैं तो गैस्ट्रिक अपसेट रहता है। सर बहुत ज्यादा यदि एंटीबायोटिक का कंजम्पशन होगा तो क्या हो रहा है, वो मेटाबॉलिज्म में तो आ ही रहे, मेटाबॉलिज्म में आ रहा है, तो बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो उसकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है उनको भी हार्म कर सकता है। हो सकता है कोई एंटीबायोटिक ज्यादा खा रहे किडनी फेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है लिवर डैमेज हो जाए, ऐसा सब भी होता है। तो सीधे ये बोलना कि एंटीबायोटिक हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता, ये सिर्फ कब तक सही है, जब तक इसका डोज लिमिटेड है, जब तक डॉक्टर के अनुसार ले रहे हो। एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट से डायरिया हो सकता है क्या? देखो ये बच्ची बोल रही है एंटीबायोटिक ज्यादा खाते तो डायरिया हो सकता है क्या? देखो ये बोल रही है, खराब हो सकती है हो सकता है बच्चे डायरिया चांसेस है। सर एक क्वेश्चन था, एंटीबायोटिक एलर्जिक हो सकता है? एंटीबायोटिक जो है वो एलर्जिक भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई पेशेंट होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ले उनकी बॉडी जो है वो रिएक्शन करती है, एलर्जिक एलर्जिक सिम्टम भी शो कर सकती है ना, तो ये भी हार्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोल रहे क्योंकि कोई भी चीज हम बाहर से ले रहे हैं और हमारी बॉडी के लिए नेचुरली नहीं बनी हुई, तो फिर उसका हमें यूज बहुत कॉशियसली करना होगा। सर एक्टिव एक्टिव प्लस को क्या बोलते हैं इनोकुलम के रूप में किस में ले जाके डालते हैं, मतलब कौन से प्रोसेस में डालेंगे इनोकुलम? वो फ्लॉक्स जो है उसको हमने कब डाला था? जब हम सेकेंडरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो एरोबिक एक हमने टैंक बनाया हुआ था जिसके अंदर हम बैक्टीरिया के थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो थे उनको डाइस करने का ट्राई कर रहे थे, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर एरोबिक
जो प्रोसेस एरोबिक टैंक होता है उसके अंदर हमें फ्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर उसी को फ्लॉक्स बोलते हैं, एक्टिव स्लज को ही। एंटी फ्लॉक्स बोलना चाहते हो? नहीं सर, हिंदी में ना समझ नहीं आ रहा था, कुछ अजीब अजीब, मतलब ऐसा ना कहीं पर फ्लॉक्स करके नहीं दिया हिंदी की बुक में कहीं पर भी। फ्लॉक्स नहीं दिया तो उर्वर या ऐसे करके कुछ नाम लिखा हुआ था क्या? हाँ ऐसे ही लिखा है सर, ऐसे ही लिखा है। तो फिर वही है। तो सर जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इनाकुलम के रूप में उसमें डालेंगे और बाकी को ले जाके बायोगैस का निर्माण करेंगे, बाकी को एनारोबिक करके बायोगैस का डालेंगे। हाँ थैंक यू सर। हाँ चलो आगे पढ़े। सर एक क्वेश्चन। हाँ बच्चे। सर विदाउट एनी डिजीज, मतलब डिजीज नहीं है, स्वास्थ्य है, एंटीबायोटिक लेंगे तो क्या होगा सर? एक बच्चा बोलो क्या बोल रहे हो सर? जैसे किसी को मतलब कोई डिजीज नहीं है और एंटीबायोटिक लेंगे तो कुछ होगा क्या? बहुत कुछ होगा। बड़े बहुत नॉर्मल पे लोगे तो कोई इंसान है एंटीबायोटिक लेते तो हार्म करता है सर। थोड़ा बहुत जो यदि किसी ने एंटीबायोटिक ले लिया है, एक टेबलेट खा लिए, कोई बात नहीं। हर एक मेडिसिन जो है ना उसका एक डोज जो होता है ना वो फिक्स होता है डॉक्टर के थ्रू। डोज फिक्स रखा हुआ है हमने कि कितना डोज बॉडी टॉलरेट कर सकती है जिससे हमारी बॉडी को हार्म भी ना हो, बैक्टीरिया भी मर जाए, तो वो चीजें जो फिक्स की हुई होती है और उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ये सारी बातें टेंशन मतलब डॉक्टर बनोगे सीख जाओगे सब कुछ। सर एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट की वजह से ब्लॉटिंग भी होती है क्या? ब्लॉटिंग का मतलब वही तो गैस वैस भरना पेट में। सर तो ये होता है? तो मतलब सर डोज उसका बहुत लेंगे तब होगा ना? एंटीबायोटिक को ज्यादा खाते ना तो डॉक्टर बोलते दही खाना। अच्छा या फिर वो लैक्टोबैसिलस की टैबलेट दे देते हैं, लैक्टोबैसिलस स्पोर्स होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस के स्पोर्स वाली टैबलेट दे देते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो लैक्टोबैसिलस वगैरह है वो नॉर्मल हो जाए। सर मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे। तुमने मुझे सेंड किया था क्वेश्चन ओव्यूलेशन वाला ही? यस सर ओव्यूलेशन वाला ही। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा था ना कि सेल जो है yes, वो उनकी डिप्लोटिंग स्टेज में अरेस्ट हो गया था आफ्टर बर्थ। सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछ कर रहा है। उसने पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा सही है या ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन सी स्टेज होती है। रुको देख लेते हैं। तुमने मुझे पूछा था ओसाइट इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच आफ्टर कंप्लीटली। तो एलएच हार्मोन जो है वो ओवुलेशन करवाता है। जब ओवुलेशन हो रहा है उस टाइम पे कौन सा डिवीजन कंप्लीट होता है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पोलर बॉडी जो है वो बन जाएगी, बाहर तो नहीं निकलती अभी, अंदर ही रहती है उसके अंदर, मतलब सेल के साइड में। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, एक पोलर बॉडी जो है अभी प्रेजेंट है उसमें। हाँ ओके सर थैंक यू, अब समझ में आ गया। पायनियर कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल अल्कोहल इज, मुझे लग रहा है ब्राजील वगैरह से स्टार्ट हुआ था। ब्राजील से स्टार्ट हुआ था ठीक है। हमारे यहां पर भी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसने परमिशन दे रखी है और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं यहां पर भी जो पेट्रोल डीजल वगैरह उसके अंदर अल्कोहल मिक्स करने की जो है वो प्लानिंग चल रही है। और 2022 तक हम लोग जो है वो अराउंड 20% तक चाहते हैं कि अल्कोहल मिक्सिंग जो है वो पॉसिबल हो पाए। अभी लगभग 10% के आसपास तक पेट्रोल मिक्सिंग जो है वो होने लगी। तो सर पहले की बात करो 2017-18 तक तो 5% था, अब वो बढ़ा करके 10 के आसपास हो चुका है। सर तो उससे फायदा क्या होगा? हमारा ईंधन बचेगा ना, फ्यूल बचेगा। और अल्कोहल मिक्स करें, अल्कोहल भी तो भाई फ्यूल ही है नहीं क्या? स्पिरिट लैंप नहीं यूज करते क्या हम लोग लेबोरेटरी में? स्पिरिट लैंप करते हैं सर, करते हैं। तो क्या होगा, गाड़ियों में अपना अल्कोहल डलवाया, कुछ कंट्रीज सोच रहे हम तो 100% अल्कोहल से चलाएंगे, तो क्या होगा जमीन के अंदर से जो फ्यूल आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, उस
के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। क्या होगा, जो आलू उगा रहे हैं उस आलू से ही क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। आलू से तो अल्कोहल बना सकते हो, आलू से सिर्फ, या पोटेटो की बात करें, या सर वो का शराब भी बना सकते हैं क्या? यस सर। गाड़ी चलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपके लिए यूज करेंगे पता। इंसानों को भी चलाता है वो तो। तो बच्चा ये नहीं बोलेगा कि किसी ने क्या किया, अपनी अपनी बाइक के अंदर जो है वो पेट्रोल फुल करवाया कि फुल कर दो टैंक, फिर वो अपने निकल गया घर के लिए, रास्ते में उसका मन नहीं लग रहा था, उसने गाड़ी रोकी, चाबी बंद की, पाइप खोला, गिलास निकाला और बोला ठीक है। चकना लेके बैठ जाएगा बीच में। अभी 5% नहीं है बच्चे, 5% से अब बढ़ चुका है, 10% के आसपास आहुति। रिसेंट डेटा जो है वो देखना एक बार, पुरानी सर केरोसिन कितना है, आज से 3-4 साल पहले का जो प्रतिनिधि बना था जिसने कॉपी पेस्ट किया है, तो 5% आंसर दे रहा होगा वो, है ना सर? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे क्वेश्चन में 5% आंसर हो सकता है दिया हुआ, क्योंकि आज का फ्रेम दिया हुआ नहीं है, वो तो 10 साल पहले किसने, 4-5 साल पहले किसने बनाया था, वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, 5% दिया हुआ होगा, लेकिन लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है ना, तो रिसेंट डेटा एक बार नेट में सर्च करना। सर सोनम कब से कुछ पूछ रही है, बोलने तो आप। हाँ बोलो ना बच्चे, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारे मन में क्यों? उसका नेटवर्क सही नहीं है सर, कट जा रहा है उसकी आवाज, वो बोलेगी सबको पता पड़ जाए। जी मैं बोल पर डाल सकते हैं, डालू मिलता है मतलब उसमें जो है ना, लेकिन चैट बॉक्स में पूछ लो सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो दारू कैसे निकलता है वो पूछ रही थी सर, कट रहा है उसका आवाज बहुत देर से सर, पुअर सिग्नल है, लो इतना से तो क्वेश्चन सेंड कर दो व्हाट्सएप में। चलो आगे बढ़े क्या? हां सर आगे बढ़ते। सुनो मुझे तुम वो व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, आज नेक्स्ट से आज जेनेटिक्स की शुरुआत करेंगे हम लोग। चलो देखो, माइक्रोब्स दो टॉपिक रह गए थे छोटे छोटे से, एक माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट और दूसरा रह गया था जो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, दो पॉइंट दो टॉपिक जो है वो आज हमको डिस्कस करने हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हुए या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए जिनका यूज हम करते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट हो, चाहे वो कोई वीड हो, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जिन एजेंट का यूज करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट, यानी इसके अंदर क्या हम करेंगे, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिज्म used to control insect pests. कोई ऐसे इंसेक्ट जो क्या कर रहे, जो हमारी क्रॉप को खा करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए जिन एजेंट्स का यूज करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट बोल देते हैं। अब क्या क्या होगा वो कुछ एग्जाम्पल्स देखो जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जैसे जैसे हम यूज करते हैं बेसिलस थुरिंडेंसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो होता है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या किसी को पता था कि नीट 2020 के एग्जाम में 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाएंगे सर? 19 में yes, 4 क्वेश्चन था, 2019 में 4 क्वेश्चन थे बेसिलस थुरिंडेंसिस, नहीं सर इस टॉपिक से 2 या 3 थे, इसी सिर्फ यही टॉपिक से। हाँ लेकिन बीटी पर्टिकुलरली बीटी बेसिलस थुरिंडेंसिस से 3 क्वेश्चन आ गए थे इस साल 2020। हाँ मैचिंग था यस सर, मैं इस टॉपिक को बहुत लाइटली ली थी और 3 क्वेश्चन आ गए थे। अरे ये चैप्टर में तो वो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देना चाहिए, है ना सर? लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़ लो बस सारी बात, भले बाहर का छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो ऐसा होता है। अभी बेसिलस थुरिंडेंसिस जो है इसको कैसे यूज करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, बेसिलस थुरिंडेंसिस बैक्टीरिया जो है इसके ये स्पोर्स वगैरह बनाता है, तो इसके स्पोर्स जो है वो मार्केट में बेचे जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं, सैशे के फॉर्म में हो सकते हैं, पैकेट के फॉर्म में। तो क्या होता है,
कि जो फार्मर है उसने क्या किया, उस पैकेट को पानी के अंदर ओपन कर लिया और फिर उसके बाद में जो उनके पास एक वो होता है पंप जैसा मशीन जिससे कि वो स्प्रे करते हैं सारे प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये स्पोर अब उसको पानी मिल गया जनरेट करेगा, इसके अंदर से बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे। तो बेसिलस थुरिंजियेंसिस जो बैक्टीरिया है इसके अंदर एक टॉक्सिन बनता है, ये क्या है प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन जिसको हम क्या बोल देते हैं क्राइजिन, क्राइजिन बोल देते हैं या बीटी टॉक्सिन बोल देते हैं। बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन है, क्रिस्टल प्रोटीन, क्राय प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की खास बात क्या होती है कि ये जो क्राय प्रोटीन है इसके अंदर जो क्राय प्रोटीन बनता है, यदि ये क्राय प्रोटीन जो है वो कौन खा जाए, इंसेक्ट, इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट, यदि कोई इंसेक्ट जो है वो इसको खा जाए तो क्या होगा, इंसेक्ट की गट में ये क्राय प्रोटीन जो है वो कहां पर पहुंच गया, गट के अंदर बेसिक पीएच इन गट, यदि गट के अंदर बेसिक पीएच वहां पहुंच गया तो ये क्या करेगा, ये लाइसिस कर देगा, लाइसिस ऑफ एपिथेलियम ऑफ गट, जो उसकी इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो एपिथेलियम है उसका क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा, क्राय प्रोटीन पोर बना दिए छोटे छोटे छेद करके बेचारा मारा गया। तो कुछ इंसेक्ट के लार्वा वगैरह जो होते हैं और स्पेसिफिक होता है वो स्पेसिफिक होता है, तो जो इंसेक्ट के लार्वा वगैरह होते हैं वो जो प्लांट को खाने वाले थे उस प्लांट की लीफ को खा रहे थे, उसके ऊपर कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे और उन बैक्टीरिया ने क्या किया टॉक्सिन बनाया और उसको मार दिया। तो क्या इसने हमारे जो प्लांट को खराब करने वाले इंसेक्ट थे इसने उनको किल कर दिया कि नहीं कर दिया, यस कर दिया। तो इस तरीके से बीटी बेसिलस थुरिंजियेंसिस है वो एक इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट हो सकता है। तो बेसिक पीएच इन क्या लिखा है फिर, बेसिक पीएच इन, बेसिक पीएच इन गट, आंत्र में क्षारीय पीएच पर ये क्या करते हैं, ये एपिथेलियम जो गट की एपिथेलियम होती है उसको नष्ट कर देते हैं, उसको परफोरेट कर देते हैं, छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो इनसे मर जाता है और हमारा प्लांट सेफ हो जाएगा। तो एक एग्जांपल समझ में आ गया बेसिलस थुरिंजियेंसिस। ऐसे और कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक बीटल है लेडी बर्ड, एक बीटल है लेडी बर्ड, एफिड लेडी बर्ड बीटल। ये बीटल की खास बात क्या होता है, ये बीटल तुमने देखा भी होगा, एक ऐसा बीटल होता है जिसके ऊपर रेड स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर का रेड कलर के स्पॉट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, गोले से बने होते हैं, उसे हम लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं। और ये बीटल क्या करता है, ये बीटल किसको ईट करता है, एफिड, एफिड को, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं एफिड जो प्लांट को हार्म करते हैं, प्लांट को खाते हैं, तो लेडी बर्ड बीटल जो है उसको हम यूज कर सकते हैं प्लांट को एफिड से बचाने के लिए। ठीक है सर, ये लेपिडोप्टेरन्स होते हैं ना, क्या होते हैं लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरा जो है उस ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करते हैं एक वायरस की, बैसिलोवायरस, बैसिलोवायरस, बैसिलोवायरस जो है वो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस, द पॉलीहेड्रो वायरस इस जीनस का, इस ग्रुप का है। ये वायरस जो है, ये वायरस भी अटैक करता है कुछ स्पेसिफिक ऑर्थोपोडा वालों को। हाँ, तो ये क्या करता है, ये किल करता है, किल सम स्पेसिफिक इंसेक्ट स्पीसीज। तो कुछ इंसेक्ट को किल करने में हम लेडी सॉरी बैसिलो वायरस जो है इनको भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल यदि मैं ले रहा हूं तो एक फंजाई है, हमने पहले भी बोला था ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या है, ये फंजाई है जो कहां प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, रूट के आसपास में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, उस रूट के आसपास कुछ पैथोजन होंगे उन्हें किल करता है, किसको किल करता है, किल्स नेमेटोड, नेमेटोड्स कुछ एसकेएलएमजीस के ऐसे मेंबर जो क्या करते हैं प्लांट की रूट को हार्म करते हैं, किल करते हैं, ऐसे नेमेटोड्स को किल करता है, किल्स नेमेटोड्स इन द विसिनिटी और इन द एनवायरमेंट
नियर रूट। तो रूट के आसपास के एनवायरनमेंट में यदि कोई निमेटोड है तो उन्हें ये किल करने का काम करेगा ट्राइकोडर्मा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे दवाइयां हैं, ऐसे ऐसे डीडीटी लाके छिड़क देंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह लाके छिड़क देंगे, सारे के सारे जितने भी है सब मारे जाएंगे, सारे जितने भी इंसेक्ट हमारे प्लांट को खाने के लिए आ रहे हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। जरूरत क्या है इतना इस कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनके लार्वा वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो होता है वो कुछ इंसेक्ट के अगेंस्ट में एक्टिव होता है और लेडीबर्ड बीटल जो है वो एफिड को खाती है। कितनी बातें ध्यान रखना, बहुत पॉइंट पॉइंट ध्यान रखना, अपने को अपना काम होता है। मॉस्किटो को और क्या हुआ, एक और था ना मॉस्किटो को जो किल करता है, गैम्बुशिया तो फिश है हाँ, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है आईपीएम, आईपीएम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट को हिंदी में पीड़क बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आबंधित पीड़क उपचार ऐसा भी बोल सकते हैं आईपीएम, ध्यान रखना। अब आईपीएम क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, मान लो मैं पुरानी सोच का आदमी हूं, पुरानी सोच का आदमी क्या कि अरे खेती करनी है, पता बड़ा टिड्डे आ रहे हैं बहुत सारे, तो टिड्डे को मारना है तो हमने पता क्या कि इंसेक्ट को मारने के लिए कौन सी दवाई यूज करें। मार्केट में किसी ने बोल दिया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो छिड़क दो, मारे जाते हैं कीट जो है वो मारे जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं लेके आया बहुत सारा पेस्टिसाइड, लेके पूरे खेत में अच्छे से छिड़क दिया, जितने भी टिड्डे थे सबका स्वाहा हो गया। क्या ये अच्छी बात की बुरी बात, सर बुरी बात, बुरी बात है सर, फसल का नुकसान भी होगा ना, क्या बुरी बात है इसमें, नुकसान भी होगा ना सर, सर इसमें हमारा नुकसान भी तो होगा ना, एक जाति स्वास्थ्य का नुकसान होगा, क्या नुकसान सर, यदि उसको खाएंगे तो हम लोग के शरीर का नुकसान नहीं होगा क्या सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नुकसान तो ये कि वो जो रासायनिक पदार्थ वो रासायनिक पदार्थ हो सकता है कि उसके ऊपर रहे या वो उसे एब्जॉर्ब कर ले प्लांट और वो उसके द्वारा हमारे शरीर में भी पहुंच जाए और वो हमें नुकसान कर सकता है, ये तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। उसके साथ साथ धरती भी बंजर हो जाएगी ना, दूसरा क्या, धरती भी तो बंजर हो जाएगी रसायनों के ज्यादा छिड़काव से, धरती की उपजाऊपन पे भी फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम नेचर को प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मान लो हम टिड्डे को मारना चाहते थे या हम किसी एक कीट को मारना चाहते थे, लेकिन वो जो दवाई छिड़की उसको थोड़ी पता है कि ये बेचारी तितली है, ये परागण करवा रही है, इसकी वजह से ही तो बीज बनेंगे, नहीं पता उसको। उसने तो क्या किया, लाइन से सबको साफ कर दिया, कोई चींटी थी उसको साफ कर दिया, तितली को साफ कर दिया, ड्रैगन फ्लाई को साफ कर दिया, कोई हार्मफुल इंसेक्ट थे उनको साफ कर दिया, मार दी। अब मान लो सारे ही मार दिए तो बेचारा वहां मेंढक लेके बैठा हुआ था, मेंढक देख के अब बोल रहा है मैं क्या करूं, यही तो कीड़े खा करके मैं जिंदा रहता था, बेचारा मेंढक जो है वो भी तड़प तड़प के मर गया, क्यों खाना ही नहीं खाया, मेंढक मारे गए वहां पे सांप घूम रहा था, सांप बोला मैं क्या करूं, भाग गया वहां से, लोगों के घरों में घूम रहा है वो जाके, अब कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, इंसानों को खाने के पीछे पड़ गया वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या समझ में आया कि यदि हम केमिकल का एक्सेस यूज करेंगे या
हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ पीड़क ही नहीं मरते हैं, सिर्फ पेस्ट ही नहीं मरते हैं, बल्कि कुछ ऐसे जीव भी मारे जाते हैं जो उस इकोसिस्टम के सस्टेन रखने में, सस्टेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए ये तरकीब सही नहीं है, और इसको सही करने के लिए जो तरकीब हम यूज करते हैं उसे ही बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। समझ गए क्या कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें, ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें हम इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हुए पीड़कों की संख्या को, पेस्ट की संख्या को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उसको पूरा एलिमिनेट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारे फसल को नुकसान कम से कम करे। लेकिन जो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके लिए भोजन है, बेचारा वो जीव भी जिंदा रहे, उसे उसका भोजन भी मिलता रहे, तो थोड़े बहुत मात्रा में पीड़क होना और ये सब तो नेचुरल है, रहने चाहिए, उससे इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, तो कम से कम रहे, उनकी संख्या को कम कर दें, उनकी संख्या को इतना कम कर दें कि वो नुकसान हमारी फसल को ना कर पाए, लेकिन वहां का इकोसिस्टम मेंटेन रहे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या कर देते हैं, पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट in such a way that ecosystem remains undisturbed. समझ गए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद सिर्फ नाम जो है वो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इसका मीनिंग बहुत सही है, और हर एक किसान जो है उसे ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जब भी हम कुछ उर्वरक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, या फिर हम केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल वीडीसाइड यूज करते हैं, यानी कि रासायनिक खरपतवार नाशी या रासायनिक कीटनाशी, या फिर हम जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, इन सबको यूज करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे ऐसे ही यूज करें कि वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। और यदि इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से सबको खत्म करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, और उस बैलेंस बनाने में इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है किसका, बायो कंट्रोल एजेंट का। तो इनको यूज करके पीड़कों की संख्या को कंट्रोल में रखना, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या बात क्लियर होगी सब बच्चों को? सर इसकी एग्जाम्पल में ट्राइकोडर्मा वगैरह को देंगे ना सर? ट्राइकोडर्मा का क्या, ये इसके एग्जांपल पे आएगा क्या? IPM एग्जांपल जो मैंने लिखे थे वो सारे एग्जांपल हैं इसके, अभी जो मैंने इससे पहले लिखे थे वो सारे एग्जांपल हैं इसके, उनको मतलब सर लिविंग जो हानिकारक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही प्रयोग कर रहे हैं। हां वही कर रहे हैं हम, नष्ट करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए, थोड़े बहुत रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना इकोसिस्टम में वो हानिकारक, तुम्हें लग रहा है हानिकारक कारक है, लेकिन वो वहां पे जो मेंढक है उसको नहीं लग रहा हानिकारक है, उसके लिए तो वो भोजन है। हम क्या जैसे खाते उसकी जाएगा भी कम रहे कि मेंढक को खाना भी मिल जाए और हमारी फसल भी खराब ना हो। समझ गए, इसे बोलते हैं IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब आ जाओ बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर, माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। जय बोलकर जैव उर्वरक क्या हो गए, कुछ ऐसे जीव जो हमारे मृदा की उपजाऊपन को बढ़ा दे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रासायनिक खाद ना यूज करके क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो क्या यूज करते हैं रासायनिक खाद की जगह पे, गोबर मैन्योर यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर। जो बायोगैस से निकलता है एक्स्ट्रा वाला जो, ठीक है, तो एक तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो हम बोल रहे हैं कि कोई जीव जो मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाता हो उसे हम क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स बोलेंगे। यानी यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैनी माइक्रोब्स इंक्रीजेस द फर्टिलिटी
यही हम क्या बोल रहे हैं, डॉन एस बायो फर्टिलाइजर्स, क्या बोल रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। बहुत सारे माइक्रोब है जो क्या कर रहे हैं, मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सर माइक्रोब्स के बाद क्या लिखे हैं, आ सकता है एक एग्जांपल तुम ले सकते हो, माइकोराइजा इंक्रीज। माइकोराइजा के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है पहले। यस सर। कई बार पादप को खनिज वगैरह जो है वो इसलिए मिल पाया, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो फंजाई के साथ में एसोसिएशन बना सकते हैं। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट ऑफ एल्गम्स। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। क्लियर होगी बात। पाइनस इसका एग्जांपल आएगा ना, पाइनस आ जाएगा। पाइनस के अंदर कुछ फंजाई होते हैं, सिट्रस के अंदर होते हैं, वॉलनट ऑर्किड। ठीक है, तो वो उन्हें अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चीजें हमने पहले पढ़ी है एक्टिव एंडोमाइकोराइजा के बारे में। यहां पर नेक्स्ट स्टेप्स के अलावा दूसरे कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन स्तरीय करते हैं। बताओ देखो, नाइट्रोजन की यदि बात करें तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, हमारे एटमॉस्फेयर का परसेंटेज कितना है, 78% बहुत सारा नाइट्रोजन है। लेकिन क्या वो नाइट्रोजन हम ले सकते हैं क्या, मेरी बॉडी में अमीनो एसिड बनाना no, है सर। क्या वो नाइट्रोजन no, सर नो सर नो सर नाइट्रोजन आगे आगे नाइट्रोजन बॉडी के अंदर क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा, क्या नो सर। इतने सारी चीजें पड़ी हुई है लेकिन हमारे लिए बेकार है, हमारे काम की नहीं। तो फिर क्या हुआ, तो फिर भगवान ने बनाया कुछ ऐसे जीव जिनका काम है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना एक ऐसे फॉर्म में ताकि वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाए, और एक बार प्लांट में आ गया तो हम लोग प्लांट से ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जो जी, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं डाइएज़ोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, डाइएज़ोट्रॉप्स। डाइएज़ोट्रॉप्स जो है वो क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिंबायोटिक भी। इस दुनिया में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एंजाइम, क्या नाम है उस एंजाइम का, हेट्रोस बोलो, वो एंजाइम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, क्या है उस एंजाइम का नाम, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजिनेज। और कमाल की बात है, तुम्हें जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ प्रोकैरियोट के पास ही होता है। यस सर। प्रोकैरियोट के पास नहीं होता है। यस सर। हेटरोसिस्ट में होता है। प्रोकैरियोट के पास होता है। तो प्रोकैरियोट में दो टाइप के प्रोकैरियोट जो डायज़ोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे वो हो सकते हैं, या तो हमारे बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया जो बढ़ते हैं, या फिर वो हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्लोरी एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल बोलते हैं। यस, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कौन सा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और एंजाइम कौन सा, नाइट्रोजन। अब ये जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, ये अपना काम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्लांट के साथ में मिलकर के सहजीवी रूप से, यानी सिंबायोटिकली फ्री लिविंग रूप से ऐसा कर सकते हैं, या फिर असहजीवी रूप से कर सकते हैं, नॉन सिंबायोटिकली कर सकते हैं, सहजीवी रूप से या असहजीवी रूप से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी ऐसे ही दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, कि या तो वो सहजीवी रूप से करें सिंबायोटिकली, और या फिर असहजीवी रूप से नॉन सिंबायोटिकली। नॉन सिंबायोटिकली को हम क्या फ्री लिविंग भी बोल सकते हैं, क्या स्वतंत्र रूप से, यस सर बोल सकते हो, क्या बोलते तो है सर, फ्री लिविंग इसी को शायद। तो ध्यान रखना, नॉन सिंबायोटिकली मतलब फ्री लिविंग भी होगा।
अब सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर के कुछ नाम तो तुमने सुने हुए अपने जीवन में, अपने जीवन में कुछ नाम सुने हुए तुमने, जिसमें से एक राइजोबियम, राइजोबियम राइजोबियम जो होता है वो किस प्लांट के अंदर होता है? इन लेग्यूम। सुना मैंने? यस हां सर। और इसके अलावा एक और भी नाम सुना होगा, फ्रेंकिया। फ्रेंकिया फ्रेंकिया जो है वो किसका मेंबर है? फ्रेंकिया जो है वो एक्टिनोमाइसिस है, एक्टिनोमाइसिस। और ये फ्रेंकिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्रेंकिया इन कैजोरिना, एलनोस, मैरिका एटसेट्रा, नॉन लेग्यूम प्लांट। ध्यान रखना क्वेश्चन रह जाएगा कि लेग्यूम प्लांट के अंदर कौन सा नाइट्रोजन फिक्सर होता है? राइजोबियम। नॉन लेग्यूम प्लांट के अंदर कौन सा होता है? फ्रेंकिया। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं राइजोबियम और फ्रेंकिया क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रूट नोड्यूल, जिसके अंदर क्या करते हैं, जिसके अंदर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं अमोनिया बनाने के। ठीक है सर। सर लेग्यूम और नॉन लेग्यूम में डिफरेंस क्या होगा? लेग्यूमिनोसी का मेंबर लेग्यूम, लेग्यूमिनोसी फैमिली, बच्चे पढ़ा होगा तुमने मटर कुल के बाद फैबेसी वाले। हां हां फैबेसी वाले मटर कुल के बाद होते हैं, उनको हम लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल यदि तुम्हें जानना है तो एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम इन सेसबेनिया, सेसबेनिया भी लेग्यूम प्लांट ही है, लेकिन उसके अंदर क्या बनाता है ये अलग से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बनाता है स्टेम नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल बनाता है। समझ गए क्या? तो ये तीन एग्जांपल, तीन नहीं दो ही इंपॉर्टेंट है, तीन तो मैंने बता दिए, दो ही इंपॉर्टेंट है राइजोबियम और फ्रेंकिया वाला। सर एलनस की बात वर्गीकरण समझ नहीं आ रहा है। मैं जो अभी तुमको बता रहा हूँ ना, ये जो चीजें, ये जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन, क्योंकि तुम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे, तुम वो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आएगा, यहाँ पर आ रहा है, तो मैं तुमको एक जगह पर एक सिस्टमेटिक ऐसा चार्ट जैसा बना के बता दूंगा, ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियर है पिक्चर में, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बता दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि तुमको इतना याद होगा ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो तुम्हारा वो कवर हो जाएगा अच्छे से। तो जितने एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कम लिखूंगा, लेकिन जितने एग्जांपल लिख रहा हूँ ये एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है सर। हेलो सर, सर एलनेस की बात क्या लिखा है? एलनेस की बात लिखा है माइरिका, MYRICA, माइरिका। सर इसका वर्गीकरण एक बार और बता दीजिए ना प्लीज। कौन सा वर्गीकरण सर? ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में किए ना, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीव, प्रोकैरियोट होते, तो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया भी आते और साइनोबैक्टीरिया भी आते, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक है और साइनोबैक्टीरिया में कौन सा सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक है, उनकी बातें हम कर रहे। तो नॉन सिम्बायोटिक में एग्जांपल कुछ याद रखोगे वो है एजोटोबैक्टर, बेसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लेब्सिएरा, और बताऊं क्या? क्लॉस्ट्रिडियम, बेसिलस, एस्टोबैक्टर, क्लेब्सिएरा, और चलो अभी इतना ध्यान रखो और याद रहेगा बता दूंगा। तो ये कुछ नॉन सिम्बायोटिक हो गए। ठीक है, ये फ्री लिविंग कंडीशन में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फ्री लिविंग में आएगा। और एक बेजर है, बेजर ने किया भी आता है, बेजर ने किया, बेजर ने किया, ये भी नॉन सिम्बायोटिक है। ठीक है, एस्ट्रोबैक्टर
बेसिलस क्लॉस्ट्रिडियम क्लॉस्ट्रिडियम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लेब्सिला भी इम्पोर्टेंट है, तुम इतना ध्यान रखना ये सफिशियंट है। इसमें तुम्हारा ना वो मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के एग्जाम्पल भी आते होंगे। सिम्बायोटिक में सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यहाँ पे तुमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े भी है अपने जीवन में, जब तुमने क्या पढ़ा था प्रवाल वित्तीय मूल होता है, कोरिलोइड रूट। साइकस के अंदर जो कोरिलोइड रूट होता है उसके अंदर एनाबीना और नॉस्टॉक जो है वो प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिकली। उसके अलावा नॉस्टॉक जो है वो एंथोसिरोस में भी होता है, एक फ्रंट है एंथोसिरोस, एक ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस उसमें होता है। और इवन एजोला में भी पढ़ा था तुमने एनाबीना जो है वो एनाबीना इन एजोला, एजोला पिनाटिक फंड। तो एनाबीना और नॉस्टॉक जो है वो क्या हो सकते हैं, वो सिम्बायोटिकली भी उपस्थित हो सकते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। और एनाबीना नॉस्टॉक की बात करो तो क्या स्वतंत्र जीवी रूप से भी रहते हैं क्या? यस, जो तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो तुम्हें कॉलोनी बना के रहते हैं दोनों तरीके से, है ना। इसके अलावा पॉलीपोड्रेक्स, ओलोसीरा, ऑसिलेटोरिया, और एनाबीना नॉस्टॉक भी नॉन सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें नाइट्रोजन फिक्सर के ध्यान रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूर से एक बार तुम नोट भी करो, ये नोट करो। तो ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये नोट कर लो यदि, क्योंकि ये चीज तुम हाथ से लिख रहा होगा ना तो तुम्हारे को काम आएगी, तुमको याद भी रहेगा। ये तुम पढ़ पढ़ के 10 बार भी पढ़ लोगे तो भूल जाओगे, और ये इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे आप। हेलो सर, ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सर हां बच्चे, सर ये लास्ट एग्जांपल क्या है? लास्ट एग्जांपल ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया भी एक साइनोबैक्टीरिया ही है, ठीक है। यस सर। सर नॉन सिम्बायोटिकली इसमें क्या है ये बैक्टीरिया वाले में लास्ट का? लास्ट में बेजर ने किया, BEIJERNICKIA, बेजर ने किया। सर वो क्लेब्सिला के नीचे क्या लिखा है? क्लेब्सिला के नीचे लिखा है बेजर ने किया, BEIJERNICKIA, बेजर ने किया। सर हाँ, जो ट्राइकोडर्मा होता है वो सिर्फ मतलब जो प्लांट में डिसीज होता है उसके लिए होता है, हाँ, और जो बीटी वाला होता है वो सिर्फ मतलब इंसेक्ट्स के लिए होता है। हाँ सही बात है। और एक और बताए थे वो वाला ऑर्थोबोटा के लिए बस यूज करेंगे। हाँ, बैसिलोवायरस वगैरह ओके, वो भी स्पीशीज स्पेसिफिक, कौन से स्पीशीज को किल करेगा वो स्पेसिफिक। वायरस ऐसे भी होते हैं ना, कोई भी जो डिजीज कॉज करता है वो तो फिक्स ही होता है ना, ये किस में होगा। हाँ सर लिख लिया सबने, एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ज्यादा स्पीसी स्पेसिफिक तो नहीं होते, बहुत ज्यादा तो नहीं होते, बट किस मैकेनिज्म पे एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ में रेजिस्टेंस हो सकता है। एंटीबायोटिक जो है ना, जैसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की, तो जितने भी बैक्टीरिया है सबके अगेंस्ट काम करेगा, लेकिन हम पेनिसिलियम की बात कर रहे हैं सीधे पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन जो है वो स्पेसिफिक होगा कि किस टाइप के बैक्टीरिया को मारा जाए, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप के। इसके अलावा एंटीबायोटिक दो टाइप के बनाए हुए,
ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। सर हाँ। जैसे एनिमल किंगडम में हम लोग ऑर्थोपोडा के लिमुनस को हम लोग जीवित जीवाश्म बोलते हैं, वैसे प्लांट किंगडम में किसको बोलते हैं जीवित जीवाश्म? बहुत सारे मिल जाएंगे, साइटस वगैरह है, गिंगो है। हाँ सर, गिंगो का पढ़ा है मैंने। हाँ। गिंगो दिया था ऑप्शन में। हाँ, तो गिंगो सही, तो गिंगो आएगा। सर पर बुक में तो कहीं पे ऐसा दिया नहीं है, पर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं तुमको पढ़ाऊंगा बच्चे, चिंता मत करो। देखो जब भी तुम पढ़ते हो ना तो कुछ कुछ नई नई चीजें तो आती हैं जो किताबों में नहीं दी है, है ना? कुछ चीजें होती है जो किताबों में नहीं दी है, लेकिन यदि तुम्हारे सामने दो तीन बार ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम ना जरूर से उनको पढ़ लेना है। फिफ्थ ट्वेल्थ के मतलब क्या है, मतलब ये क्या क्या पूछ रहे हो बच्चे, मुझे नहीं पता। सर साइनोबैक्टीरिया का फर्स्ट एग्जांपल क्या है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर ये वाला है ना, कि ना? नहीं सर, इसका नॉन का। अच्छा ये यहाँ पर जो पॉलीपोथ्रिक्स और ओलोस्टेरा लिखा हुआ है, ये ओलोस्टेरा जो है ये पैटी फील्ड्स में बहुत ज्यादा होता है, धान के खेतों में स्वतंत्र रूप से रहने वाला साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कौन सा है, वो ओलोसीरा है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। और सिम्बायोटिक पूछेगा तो सिम्बायोटिक तो ये हो जाएंगे, एजोला उगा दो, एजोला उगाया उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया होगा और वो आराम से क्या करेगा, फैलाव को बढ़ाएगा। पेडिफिल्स मतलब धान के खेत, अब हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक, जेनेटिक्स। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद आएगा ये, तो इंटरेस्टिंग। हाँ, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है और फ्यूचर में भी, ये जो जेनेटिक्स है ना। सर ग्लोमस क्या होता है? ग्लोमस जो है ना वो जाइगोमाइसिटिस का एक मेंबर है जो कि एंडोमाइकोराइजा में मेरी प्रेजेंट होता है। सर वो फास्फोरस बढ़ाता है क्या मैक्सिमम प्लांट में? हाँ, अभी इसका काम क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना, माइकोराइजा है ना, फंजाई है ना, माइकोराइजा की एसोसिएशन शो कर रहा है। Principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variations. Genetics की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं कि genetics होता क्या है। What is genetics? Genetics. Genetics, science की या biology की एक ऐसी branch है जिसमें हम देखते हैं क्या कि किस तरीके से characters जो है वो inherit होते हैं। Inheritance का मतलब क्या? Inheritance का मतलब एक generation से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस। दूसरा एक सिमिलर टर्म यूज करते हैं इसके लिए क्या, ये है हेरिडिटी। इनहेरिटेंस होने को ही हम क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी, वंशागति, ठीक है। और जब ये कैरेक्टर जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन है कि एक मेल फीमेल कपल है, एक जो है वो शादीशुदा दंपति है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चा पैदा किया, तो बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के जैसा ही है, वैसे ही कैरेक्टर है उसके अंदर, तो कैरेक्टर का ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जाना वही क्या है, हेरिडिटी। उसे हम क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस बोल रहे, वंशागति बोल रहे। और लेकिन वो बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने मम्मी या पापा इनकी कॉपी नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ अलग होता है, कुछ विभिन्नताएं भी होती है। यानी आखिर क्यों बच्चा जो है वो अपने पेरेंट जैसा हुआ
और अंतर भी क्यों आया उसके अंदर, वेरिएशंस भी क्यों आए, या दो बच्चे बने तो दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग है, आखिर वो ऐसा क्यों हुआ? तो इन चीजों की स्टडी को ही हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक्स। यानी कैसे डिफाइन कर सकते हो, जेनेटिक्स के लिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ heredity and variation, heredity and variation. जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक heredity यानी कि अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, genetics बोल देते हैं। यहां पर heredity का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पैतृक पीढ़ी से संतति में लक्षणों का गमन या स्थानांतरण हेरिडिटी होता है, अनुवांशिकी होता है। और वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस डिग्री डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग और among the offsprings। माता पिता से बच्चों में विभिन्नताओं का आना या कितनी विभिन्नताएं हैं वो, या फिर बच्चों में आपस में जो विभिन्नताएं हैं उनको ही हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशंस, विभिन्नताएं बोल देते हैं। तो विभिन्नताएं कितने प्रकार की हो सकती है, वेरिएशंस कितने प्रकार की हो सकती है, वेरिएशंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन, और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन मतलब कायिक विभिन्नता है, और जर्मिनल वेरिएशन मतलब जननिक विभिन्नता है। क्या होती है सोमेटिक वेरिएशन, होता है कि बॉडी के सोमेटिक पार्ट में कोई चेंज आ रहा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, उससे हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन। क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैं, जैसे मान लो मेरे एक जुड़वा भाई है, बिल्कुल मेरी फोटो कॉपी एकदम 100%। अब क्या हुआ, अब हम दोनों की नौकरी लग गई, उसकी नौकरी लग गई मान लो नाइजीरिया में, नाइजीरिया में नौकरी लग गई, डॉक्टर है वो भी, इसकी नाइजीरिया में नौकरी लग गई, नाइजीरिया चला गया, और मान लो मेरी नौकरी लग गई कनाडा में, मैं चला गया कनाडा। सर थोड़ा साइड होइए ना, तुमको आइडिया है कि कनाडा कैसी जगह है और नाइजीरिया कैसी जगह है? सर केरला का पता है। अच्छा केरला का पता है, तो चलो तो चेंज करते हैं, जो तुम्हें पता है उसकी बात करते हैं। तो हम दोनों की नौकरी लग गई, और मेरा भाई जो है उसकी नौकरी लग गई केरला साउथ इंडिया, और मेरी नौकरी लग गई कश्मीर। दोनों ने अपने सामान वामान पैक किए चले गए, वो चला गया केरला और मैं चला गया कश्मीर। आराम से 5-6 साल हमने नौकरी की, और उसके बाद में हमें वापस से मिलने का मौका मिला, वापस से भरत मिलाप हुआ। और जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या अभी भी हूबहू दोनों एक जैसे होंगे कि थोड़े अलग दिखने लग गए होंगे? सर कलर का थोड़ा अलग आ जाएगा और वो हो जाएंगे डल। वेरी गुड बच्चे। तो ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर जो साउथ इंडिया में गया, तो भाई साउथ इंडिया में गया है तो वहां पर रह के वो थोड़ा सा काला हो गया होगा, और आप यदि कश्मीर में हो तो आप थोड़े से और गोरे हो गए। सर और ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे सर ने फिक्सिंग कर ली एग्जाम्पल में खुद को कश्मीर भेज दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके बाद में हम लोग मिले तो थोड़ा सा मैंने कहा चेंज हो गया, कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, वो थोड़ा डार्क हो गया और श्याम हो गया है,
और मैं थोड़ा और गोरा हो गया हूँ, यदि ऐसा कुछ कंडीशन हो गया तो इसका मतलब क्या विभिन्नता तो आ गई, क्या बोल रहे वेरिएशन से। अब ये वेरिएशन आ गई तो क्या, अब हम दोनों के जो बच्चे होंगे तो वो जो काला हो गया है मेरा भाई, उसका बच्चा काला ही पैदा होगा क्या? नो सर। मेरा बच्चा और ज्यादा गोरा पैदा होगा क्या? नहीं जरूरी नहीं है सर, ऑलरेडी है वो भी गोरा। वो भाई मम्मी पापा के जीन आए हैं अभी और जिस एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग कलर कॉम्प्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो विभिन्नताएं आई वो बॉडी के सोमेटिक पार्ट में स्किन में आई, और वो जो चेंज है वो चेंज जर्मिनल पार्ट में नहीं है। तो क्या होगा, तो बच्चा जो है वो तो जो जर्म प्लाज्मा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सोमेटिक वेरिएशन जो आए किसकी वजह से, एनवायरमेंट की वजह से आए, वो क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। आई बात समझ में, सोमेटिक वेरिएशन समझ गए भाई? वीजमान ने बोला था ये सोमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म के बारे में, वीजमान ने बता दिया था, क्योंकि लेमार्क जो है ना, लेमार्क बोल रहे थे कि चूहे की पूंछ काटते रहोगे काटते रहोगे काटते रहोगे तो पूंछ खत्म हो जाएगी इसकी, लेमार्क बोल रहे थे ऐसा। पूंछ का यूज नहीं है और बार बार यदि उसको यूज नहीं हो रहा, हम कट करते जाए करते जाए करते जाए तो एक दिन ऐसा आएगा, लेमार्क बोल रहा था कि चूहे की पूंछ खत्म हो जाएगी। लेमार्क बोलता था कि यदि मैं अच्छे से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे को सब चीज आती, मैं बार 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 पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो टीचर बन के पैदा होगा। नहीं ऐसे तो बोलते लेमार्क, ठीक है। बट बीजमान ने देखा कि चूहे की पूंछ काटी और उन्होंने बोला देखो पूंछ की लेंथ छोटी तक भी नहीं हुई, इसका मतलब लेमार्क गलत। उन्होंने बोला दो चीजें हैं भाई, चेंज यदि सोमेटिक पार्ट में हो रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को इनहेरिट नहीं करेगा, वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। यदि चेंज जो है वो जर्म प्लाज्म में होते, और बॉडी के अंदर जो बोनेट्स है, इवन बोनेट्स की सेल के अंदर भी जो कलर मेलानिन बनाने वाली जीन थी उनको चेंज कर दिया, जो शुक्राणु बनाने वाली सेल है, जर्म सेल है जिनसे शुक्राणु स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उन सेल के अंदर भी जीन चेंज कर दिया। यानी अब जो वेरिएशन है चेंज वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया उस सेल के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करता है। तो ऐसा वेरिएशन यदि होगा तो हम उसे बोलेंगे जर्म प्लाज्मा। यदि ऐसा हो गया सिर्फ बाहर से नहीं दिख रहा अंदर से भी, यानी जर्म सेल के अंदर भी क्या हुआ है जीन चेंज हो गए, हो सकता है रेडिएशन की वजह से हो गया जो भी कुछ हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर हो सकता है कि बच्चा जो है वो उसका कलर जो है कैसा हो जाए काला हो जाए। तो यदि कोई वेरिएशन जर्मिनल सेल के अंदर है तो फिर क्या होगा उसको हम बोलेंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा तो उसे हम बोलेंगे जर्मिनल वेरिएशन। तो ये दो बात क्लियर हो गई, सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है और जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है, क्लियर हो गई बात सबको, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें इस बात का आंसर पता पड़ गया कि नीम का पेड़ यदि है तो उसका बच्चा भी नीम का ही पेड़ होगा। कहावत जो सुनिए कि नीम बोया है तो आम कहां से मिलेगा, वो कहावत के पीछे की जो कहानी है वो जिससे कि जो भी कड़वा पदार्थ बन रहा था वो बनना बंद हो जाए, कुछ मीठा पदार्थ बनने लग जाए तो हो सकते, ठीक है। चलो तो ये तो बहुत बेसिक बात हुई, इसके बाद में मुझे बताओ कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ये है बेट्स। ठीक है, तो ये कुछ
ऐसे बता दिया कि किसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं और मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, इतना ही हमारे काम आने वाला है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। हम चैप्टर को बहुत टू द पॉइंट लेके चलेंगे, हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ाई करेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ाने के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें माइंड में चल रही थी, बट हम कोशिश करेंगे कि चीजों को उस वे में लेके चले जहां पे ना तुम्हारे को लोड आए ना तुमको फालतू चीजें बढ़ी पड़े और एनसीईआरटी के रिलेटेड हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। प्री मेंडेलियन थ्योरी जो है वो मैं यहाँ पर नॉर्मली क्लासेस में पढ़ाता था, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो फर्जी थ्योरी है, वो मजे लेने के पढ़ाता था मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ, तो कि पाइथागोरस है उन्होंने फ्लूइड पेपर थ्योरी दे दी, बोला कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं उनके शरीर से भाप निकलता है और भाप मिल जाता है बच्चा बन जाता है। फिर किसी ने बोला कि वो कोई कोई ऐसी थ्योरी देता है, बाकी साइंटिस्ट जो उसको गलत सिद्ध करते हैं, किसी साइंटिस्ट ने क्या किया एसी फुल पे करके फिर उसके बाद ट्राई किया, बोला कि अभी भी बच्चा हो गया, ये क्या हो रहा है, उन्होंने तो बोला था भाप निकलेगा, कभी भाप निकला ही नहीं, ठीक है। तो फर्जी थ्योरी थी, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। हम सीधे बात करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर वर्ड जो है इसे यूज किया था किसने, मेंडल, मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये बात है कब की, ये बात है 1853 के आसपास, 1856 में एक्सपेरिमेंट किया था ना, हाँ, तो 1856 के आसपास की बात है। फैक्टर वाला मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी, तो उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भाई तुम खुद सोचो सेल थ्योरी कब डिस्कवर हुई थी, सेल थ्योरी कब दी गई थी, सेल थ्योरी खोजा था रॉबर्ट हुक ने, लिवन हॉक वगैरह ने, फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट को ये पता पड़ा कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना होता है, सेल थ्योरी की बात आएगी 1838-39 की बात, और उसके थोड़े ही टाइम की बात की बात है, तो इतने सी दिनों में ये तो नहीं पता पड़ गया होगा जीन क्या होता है, कैसे काम करता है और वो सारी चीज नहीं, तो उस टाइम पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता थी सेल के बारे में, तो बेसिक बेसिक चीजें ही पता पड़ने लगी थी। और न्यूक्लियस को देख पाना, उसके अंदर डीएनए को देख पाना तो पॉसिबल नहीं था। तो ये बात है उस टाइम की, मेंडल जो है वो इतने खतरनाक साइंटिस्ट है मैं बता नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चीजों के बारे में बताया था जिसे आदमी देख ही नहीं सकता था, वो कैलकुलेशन करके बता दिया ऐसा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लो गैलेक्सी में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमको पता नहीं है मिल्की वे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और एक साइंटिस्ट आया वो बोलते हैं कि देखो भाई इतने सारे स्टार हैं, ये ऐसे रोटेट करे, ये ऐसे मूव करे, ये सारी चीजें। तो जो हम जैसे लोग होंगे जिन्होंने तो अपने धरती को ही पूरा नहीं देखा हुआ है और उनके सामने कोई गैलेक्सी की बातें कर रहा हो, तो फिर अपने को तो क्या लगेगा, अपने को लगेगा भाई पता नहीं क्या रखो। तो बिल्कुल वही बात है मेंडल के साथ, कि मेंडल ने जो बातें की थी वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक जीन को देखा नहीं गया था, जीन को तो हम आज भी नहीं देख सकते भाई, नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी ठीक से नहीं देख सकते, ये तो नहीं पता पड़ेगा ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो जीन, वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बहुत सारा, तब कुछ जाके पता पड़ेगा। तो उस लेवल पे बात कीजिए कब, उस टाइम पे जब सेल के बारे में ही पूरा पता नहीं था, तो उस टाइम पे जीन वर्ड नहीं आया हुआ था, उस टाइम पे डीएनए वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस टाइम पे मेंडल को सिर्फ ये पता पड़ा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, उसके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है और उसके लक्षणों को, उसके कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रही है, कुछ चीज है, उस चीज को क्या बोल दिया था, फैक्टर बोल दिया था। आई बात समझ में? तो फैक्टर एग्जैक्टली क्या है? फैक्टर एग्जैक्टली वो पदार्थ है, वो चीज है जो इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करती है। तो हम बोल सकते हैं फैक्टर इज डिस्क्रीट यूनिट दैट inherit and control a particular character. तो किसी लक्षण को
किसी लक्षण को कंट्रोल करने वाली या उसे उसकी वंशागति करवाने वाली जो इकाई थी, उस इकाई के लिए मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया? फैक्टर यूज किया। बाद में इसके लिए एलिमेंट वर्ड भी यूज किया गया था। फिर बाद में जब चीजें क्लियर हुई तब जॉनसन उन्होंने क्या किया? यस, कॉइन द टर्म जीन। तब जॉनसन ने क्या किया था? इसके लिए ही जीन वर्ड जो है वो यूज किया था। कहते बातें क्लियर है सब बच्चों को? फैक्टर समझ गए कि फैक्टर क्या है? अपने समझने के लिए तो सिंपल सी बात है, फैक्टर जीन है। और जीन क्या होते हैं वो तुम जानते हो, कोई भी लक्षण जो है वो आ रहा है किसकी वजह से, वो जीन का एक्सप्रेशन है। और जीन ही क्या हो रहे हैं, जब गैमेट के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं या एक जीव से दूसरा जीव बन रहा है तो उसमें जा रहे हैं, तो वही क्या करेंगे, उसके लक्षणों को भी वंशागत करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फैक्टर के बारे में। सेकेंड टर्म में यहां पर टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं, कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर एंड ट्रेट, कैरेक्टर जो है वो लक्षण है और ट्रेट जो है, ट्रेट को हम ट्रेट ही बोलते हैं, वो उस लक्षण का भी स्पेसिफिक फॉर्म है, रूप है। क्या होता है, जैसे हम बात करें स्किन कलर, तो स्किन कलर क्या होगा, कैरेक्टर होगा। और उसके अल्टरनेट जितने भी फॉर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो उनके ट्रेट हो जाएंगे। यानी कैरेक्टर जो है वो किसी जीव का एक लक्षण है, ग्रॉस फीचर है, और ट्रेट जो है उस लक्षणों के लिए जो भी अल्टरनेट पॉसिबिलिटी है वो है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे प्लांट है ये क्या है, ये एक लक्षण कैरेक्टर है। हमने देखा कि प्लांट की हाइट जो है वो अलग अलग हो सकती है, कोई प्लांट बड़ा हो सकता है, कोई प्लांट छोटा हो सकता है। जैसे कोई प्लांट टॉल हो सकता है, कोई प्लांट जो ड्वार्फ हो सकता है। ई प्लांट का एग्जांपल ले लो, मेंडल ने जो लक्षण यूज किया उसमें एक था पी प्लांट की मटर के पादप की लंबाई। तो मटर के पादप की लंबाई जो है वो होगा क्या, कैरेक्टर। और उसके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन जो भी होंगे, जरूरी हमेशा दो ही हो, मोस्टली तो होते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग प्ले किए थे उन्होंने, लेकिन क्या हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलेंगे, यानी यहाँ पर टॉलनेस और डॉर्फनेस ये दोनों क्या होंगे, आई क्या बात समझ में? तो कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस पता पड़ गया क्या तुम्हें? यस सर। तो ब्लड ग्रुप मुझे बताओ, यदि तुम्हें समझ में आ गया है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, कैरेक्टर होगा कि ट्रेट होगा? कैरेक्टर होगा। ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, वो कैरेक्टर होगा। और फिर इसके ट्रेट क्या होंगे? A ग्रुप B ग्रुप A B ग्रुप O ग्रुप और O। समझ गए, ये जीन नहीं है, जीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब ब्लड ग्रुपिंग के लिए कितने अल्टरनेट ऑप्शंस जो है वो पॉपुलेशन में प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। हाई क्लास में तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ हो सकता है। तो चार डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये होगा कैरेक्टर और ये चारों होंगे क्या, ये चारों होंगे ट्रेट। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो अब मेंडल ने जो सर आई ए और आई बी क्या होगा? क्या बच्चे, यदि तुम आई ए आई बी की बात कर रहे हो, आई ए या सपोज कैप्स में लिखते हैं आई ए आई बी, तो ये ट्रेट नहीं है, तो जीन है ये फैक्टर है जीन है। हाँ ओके सर, बताएं वो क्या है? क्या बच्चे, ये ए बी, ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ठीक। कैरेक्टर और ट्रेट ये है कि मैंने तुम्हें बोला कि अपने अराउंड पॉपुलेशन में कितने डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप देखते हो, तो तुम बोलोगे अच्छा ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है जिसके कुछ अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पॉपुलेशन में है।
कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन जो है वो हमारे पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। कौन कौन से ऑप्शन प्रेजेंट है तुम देखोगे अपने चारों तरफ, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ए मिलेगा, कुछ का बी मिलेगा, कुछ का ए भी मिलेगा, कुछ का ओ मिलेगा, तो तुम बोलोगे चार ऑप्शन है ना, ये चार ट्रेट हो गए, इसके लिए एक करेक्ट। ओके सर, कैरेक्टर और ट्रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर आई का मतलब क्या है? उसमें भी ट्रेट यूज करते हैं। सर आई का मतलब क्या है? आई तो जीन है बच्चे, आई जीन होती है, वो मैं बाद में एलील की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज तो टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एलील की बात। तो फैक्टर और कैरेक्टर, ये दो वर्ड मैंने तुम्हें आज समझाया, थोड़ा सा जनरल जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन भी दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। सर इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें पीछे वाला भी आएगा, मतलब जो पहले के हैं उसको? तुम बोलो, देना चाहते हो कि नहीं? सर दे दो, रिवीजन हो जाएगा कम से कम। यस सर, वो छूट रहा है। ठीक है सर, मतलब जितना पढ़ेंगे वो आएगा? जितना नहीं, जो अभी तुम्हारे संडे में आया था, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन, चार चैप्टर ना? बस चार चैप्टर ही दूंगा। ओके ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, आप पार्टी दे दे तो खुश रहते हैं। नाइट सर। हाँ बच्चे, सो ही जाओ, अब तो मैं पक्के से जाता हूँ।